Hello everyone, welcome to 12th Commerce Economics lecture. Currently we are into chapter number 3A, that is demand analysis. Friends, already we have checked what is demand and how demand is desired backed with willingness to pay and ability to purchase. Accordingly, we went through law of demand, statement of law, which indicate when price increases, demand decreases, goes down. And when price decreases, demand automatically raised up to a optimum level. ठीक है, तो इसी को आगे बढ़ाते हुए हम पेज नंबर 22 पे चलते हैं. On page number 22, we have exceptions to the law of demand. What we have? Exceptions to the law of demand. जब हम कोई भी लॉ करते हैं, समझते हैं, तो लॉ के एंड में हमें एक्सेप्शंस बताए जाते हैं. मतलब ऐसी कौन सी स्थिति है, ऐसे कौन से फैक्टर्स हैं, ऐसे कौन सी सिचुएशन है जहां पर ये लॉ अप्लीकेबल नहीं होता. तो सबसे पहले हम देखेंगे कि लॉ का स्टेटमेंट क्या है. लॉ का स्टेटमेंट है प्राइस इज इनवर्सली रिलेटेड टू डिमांड. जब प्राइस इंक्रीज होगा, हमारा जो डिमांड है वो डिक्रीज होगा, इनवर्सली रिलेटेड. और जब प्राइस डिक्रीज होगा तो हमारा डिमांड इंक्रीज होगा. ये सिंपल लॉ यहां पे हमें बताया गया. अब ये जो एक्सेप्शन है, इसका मतलब है कि ये पर्टिकुलर लॉ यहां पर अप्लाई नहीं हो रहा. तो ऐसे कौन से सिचुएशन है? There are certain exceptions to the law of demand. It means that under exceptional circumstances, कुछ ऐसे circumstances या situation है जहां पर law काम नहीं कर रहा. Consumers buy more when the price of commodity rises. Price बढ़ गया तो customer और purchase करते हैं. कुछ cases ऐसे भी हैं. And buys less when price of commodity falls. और price of commodity अगर गिर रहा है तो लोग उसको कम परचेस करते हैं, जबकि होना उल्टा चाहिए. इन सच केसेस डिमांड कर्व स्लोप्स अपवर्ड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट. ऐसे केस में क्या हो जाएगा, आपको इस तरीके का डिमांड कर्व देखिएगा. देखिए नॉर्मल डिमांड कर्व कैसा था, इट वॉज डाउनवर्ड स्लोपिंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट. बट एक्सेप्शनल डिमांड कर्व कैसा है, अपवर्ड स्लोपिंग, ऊपर जा रहा है फ्रॉम लेफ्ट टू राइट. दैट इज द डिमांड कर्व हैज अ पॉजिटिव स्लोप एज shown in the figure. तो ऐसा स्लोप क्यों है यहां पर, एक एक करके देखते हैं इसके पॉइंट. सबसे पहला पॉइंट और इंपॉर्टेंट पॉइंट है गिफेंस पैराडॉक्स, या आप इसे बोल सकते हैं गिफेंस गुड्स. इस पॉइंट को एक और हम यहां पर नाम दे सकते हैं गिफेन गुड्स, और अगर आप इसे बोलना चाहते हो तो आप बता सकते हो इंफीरियर गुड्स. ये नाम भी आप इसे दे सकते हो. अच्छा, ये जो वर्ड है गिफेन, ये आया कहां से? एक्चुअली इट्स अ सरनेम. सर रॉबर्ट गिफेन ये एक पर्सन थे और इनकी वजह से इसे कहा जाता है गिफेन्स पैराडॉक्स. क्या कहा जाता है? गिफेन्स पैराडॉक्स. तो ऐसा नाम क्यों पड़ा, आइए समझते हैं. इंफीरियर गुड्स और लो क्वालिटी गुड्स आर दोज गुड्स हुज डिमांड डज नॉट राइज even if their prices falls. तो कुछ ऐसे गुड्स होते हैं जिनको हम बोलते हैं इंफीरियर गुड्स. इंफीरियर गुड्स का मतलब होता है जो एकदम चीप क्वालिटी के होते हैं, जो ज्यादा समय चलते नहीं है, ड्यूरेबल नहीं होते हैं, जिसकी क्वालिटी अच्छी नहीं होती है. तो ऐसे केस में क्या होता है, whose demand does not rise even if their price falls. उनका प्राइस कम होगा तो भी उनकी डिमांड नहीं बढ़ेगी, है कि नहीं. At times, demand decreases when price of such commodity falls. और अगर इनकी प्राइस कम हुई तो क्या होगा, इनकी डिमांड भी कम हो जाती है. मतलब यहां पर लॉ कैसा काम कर रहा है, रिवर्स है ना. प्राइस अगर बढ़ेगी तो डिमांड
बढ़ेगा नहीं या कम भी नहीं होगा, ठीक है ना। इंफीरियर गुड्स और लो क्वालिटी गुड्स आर दोज गुड्स हुज डिमांड डज नॉट राइज इवन इफ देयर इज अ फॉल इन प्राइस। प्राइस फॉल होगा तो इसका डिमांड बढ़ेगा भी नहीं। एट अ टाइम डिमांड डिक्रीजेस व्हेन द प्राइस ऑफ सच कमोडिटी फॉल्स। उल्टा क्या होता है, जब इसका प्राइस गिरेगा तो इनका डिमांड भी गिरेगा। उल्टा हो गया ना, हमारा लॉ बोलता है, हमारा लॉ क्या बोलता है कि प्राइस गिरेगा तो डिमांड बढ़ना चाहिए, लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है, रिवर्स हो रहा है। ऐसा क्यों हो रहा है? तो सर रॉबर्ट गिफन ऑब्जर्व दिस, सर रॉबर्ट गिफन ऑब्जर्व हिज बिहेवियर इन इंग्लैंड। ये जो बिहेवियर था ये इनको इंग्लैंड में देखने को मिला इन रिलेशन टू ब्रेड। तो हम जो डेली यूसेज में ब्रेड यूज करते हैं, है ना, उससे इनको ये ऑब्जर्वेशन मिला। ही नोटेड दैट इवन व्हेन द प्राइस ऑफ ब्रेड डिक्लाइंड, क्योंकि देखिए हमारे आपके घर में रोटी चपाती बनती होगी, बट बाहर ज्यादातर लोग ब्रेड का यूज करते हैं। हाँ, यहाँ पर भी लोग ब्रेड का यूज करते हैं या पाव का यूज करते हैं ना, बड़ा पाव, भजी पाव, सब कुछ पाव में लगा के खा जाते हैं। तो ये जो ब्रेड है, ये ब्रेड का जो डिमांड है उसके बिहेवियर इनको समझ में आया। कैसा? He noted that when the price of bread declined, price जैसे ही उन्होंने ब्रेड का कम किया, say for example, आपको एक ब्रेड का पैकेट है ना, नॉर्मल पैकेट 30 rupees का मिल रहा है, ठीक है, अब उसका प्राइस हमने कम करके 25 rupees कर दिया, तो प्राइस फॉल हुआ। क्या होना चाहिए? एक्चुअली उसका डिमांड बढ़ना चाहिए, लेकिन हुआ क्या? He noted that when the price of bread declined, people did not buy more because of an increase in their real income. लोगों ने ज्यादा purchase नहीं किया जबकि उनकी real income बढ़ गई थी। अब आपके उनके पास 5 rupees और ज्यादा बच रहे थे और purchasing power है कि नहीं, क्योंकि पहले उनके पास से 30 rupees spent हो जाते थे, खर्च हो जाते थे, but अब उनके पास सिर्फ 25 rupees खर्च होते हैं, 5 rupees बचते हैं। बचत होने के बावजूद वो ज्यादा purchase नहीं कर रहे हैं। They preferred to buy superior goods like meat. वो जो पैसे बचे हैं ना, उतना पैसा वो कहाँ लगाना चाहते हैं? मीट में लगाना चाहते हैं, ब्रेड एक्स्ट्रा परचेस नहीं करना चाहते। एंड दिस इज नोन एज गिफेंस पैराडॉक्स, और इसी को नाम दिया गया, क्या नाम दिया गया? गिफेंस पैराडॉक्स, कि जो पैसे बचे हैं उससे मैं क्या करूं, उससे मैं मीट परचेस कर लूं इंस्टेड ऑफ बाइंग मोर ब्रेड। होता है ना ऐसा? आप भी देखो, कभी कभी आप जाओगे डीमार्ट में और किसी पर्टिकुलर कमोडिटी का प्राइस गिरा है तो आप सोचते हो इससे अच्छा मैं बेटर प्रोडक्ट परचेस करूं क्योंकि वो भी कम प्राइस में अवेलेबल है। आया ना बात समझ में? आया? आपके सामने सपोज राइस है, ठीक है, अब नॉर्मली आप सपोज यहां पर वड़ा कोलम राइस परचेस करते हैं और मार्केट में वड़ा कोलम के साथ में बासमती राइस भी है। कौन सा राइस है? बासमती, ठीक है। अच्छा, जनरली है ना, मार्केट में आप जाते हो तो आपको प्राइस वड़ा कोलम का मिलेगा 50 rupees और बासमती का मिलेगा 60 rupees, एग्जांपल आई एम टेकिंग। और जब आप डीमार्ट में गए तो आपको मालूम पड़ा वड़ा कोलम का जो प्राइस है वो 46 rupees में मिलता है और बासमती जो मिल रहा है वो 50 में मिल रहा है। तो लोग क्या करेंगे? लोग बोलेंगे इंस्टेड ऑफ बाइंग वड़ा कोलम वी विल गो फॉर बासमती, क्योंकि ऐसे भी पहले हम मार्केट से 50 में लेते थे। तो हमारे अगर पैसे बच रहे हैं तो इससे क्यों ना हम और बेटर प्रोडक्ट लें, दूसरा प्रोडक्ट लें, ठीक है ना। तो सेम प्रोडक्ट का डिमांड नहीं बढ़ता है, ऐसा कौन कहता है? रॉबर्ट गिफन। उनका कहना है कि ब्रेड का प्राइस जब डाउन कर दिया गया तो जो बचे हुए पैसे हैं, लोगों ने उस बचे हुए पैसे से ब्रेड नहीं खरीदा, उस बचे हुए पैसे से मीट परचेस किया। क्या परचेस किया? मीट। और इसी को कहा जाता है गिफन पैराडॉक्स। गेटिंग इट एवरीवन? आफ्टर लर्निंग अबाउट सर रॉबर्ट गिफन्स ऑब्जर्वेशन इन गिफन पैराडॉक्स, लेट्स मूव ऑन टूवर्ड्स
पॉइंट नंबर टू, दैट इज प्रेस्टीज गुड्स। इसके पहले हमने इंफीरियर गुड्स की बात की, पेरिशेबल गुड्स की बात की, अब हम बात करें प्रेस्टीज गुड्स, ऐसे गुड्स जिससे व्यक्ति अपनी प्रेस्टीज शो करता है, शानो शौकत शो करता है, है कि नहीं। तो जो आपने देखा होगा, जैसे हम इंडिया में अगर किसी को मानते हैं तो वो होते हैं बॉलीवुड के सेलिब्रिटीज, या वो होते हैं स्पोर्ट्स पर्सनालिटीज, या वो होते हैं बिग बिग बिजनेस टाइकून, टाटा, अडानी, अंबानी, बिरला, है कि नहीं, ये सारे लोग। अब कहीं ना कहीं आप देखोगे, है ना, ये बी टाउन की बात कर ले, बॉलीवुड की बात कर ले, या कोई भी जो रिच फैमिली है वो अपनी प्रेस्टीज कैसे शो करता है, जब भी कोई प्रोडक्ट कॉस्टली हो जाता है ना तब उसको बाय करता है। जैसे गोल्ड, डायमंड कॉस्टली हो गया तो उसको बाय करेंगे, एंड दे टेंड्स टू शो ऑफ करते हैं। क्या शो ऑफ करते हैं, देखो भाव बढ़ गया ना तो भी हमने खरीदा, क्यों, क्योंकि हमारी औकात बड़ी है। ये बात समझ में आई क्या? तो यहाँ पर वो अपनी क्या शो करते हैं, प्रेस्टीज शो करते हैं, सिंबल स्टेटस शो करते हैं। वो क्या करेंगे, कोरोना काल में जब किसी के पास कैश नहीं है, या जब भी कैश बंद हो गया था, है ना, डिमोनिटाइजेशन हो गया था, तब वो सबके सामने कैश उड़ाएंगे और शो करेंगे कि अभी भी हमारे पास कैश है। सो एक्सपेंसिव गुड्स लाइक डायमंड, गोल्ड एटसेट्रा आर स्टेटस सिंबल, सो रिच पीपल बाय मोर ऑफ इट व्हेन देयर प्राइस आर हाई। जैसे प्राइस बढ़ेगा वो लोग और खरीद लेंगे, और ये बताने की कोशिश करेंगे कि देखो हमने परचेस करके दिखाया। जैसे देखो आपने कई बार देखा होगा, लोग वेट करते हैं एप्पल का न्यू प्रोडक्ट लॉन्च होने के लिए, भले उसका नया फीचर क्या है वो पता नहीं होगा, बट नया लॉन्च हो रहा है ना, हमारे पास होना चाहिए, क्यों, क्योंकि ये क्या है, स्टेटस सिंबल है। तो वहां पर न्यू प्रोडक्ट फर्स्ट टाइम लॉन्च होगा तो उसका प्राइस हाई रहेगा, जबकि एक साल के बाद आप परचेस करने जाओगे सेम प्रोडक्ट, आपको उसके प्राइस में 2-3 हज़ार का फर्क जरूर मिलेगा, यस और नो। लेकिन तभी वो लोग कब परचेस करेंगे, जब उसका प्राइस हाई है। गेटिंग इट एवरीवन? पॉइंट नंबर थ्री, स्पेक्युलेशन। हमने इसके बारे में बात की है, स्पेक्युलेशन क्या होता है, फ्यूचर प्रेडिक्शन, फ्यूचर प्रेडिक्शन। फ्यूचर प्रेडिक्शन के समय आपका लॉ अप्लाई नहीं होता है। हमारा लॉ क्या है, हमारा लॉ है कि प्राइस जब इंक्रीज होगा डिमांड फॉर द सेम डिक्रीज होगा, यस, प्राइस जब डिक्रीज होगा डिमांड इंक्रीज होगा, ये इनवर्स रिलेशनशिप लॉ हमारा बताता है, ये है स्टेटमेंट ऑफ लॉ, ठीक है। लेकिन हम स्पेक्युलेशन की बात कर रहे हैं, किसकी बात कर रहे हैं, स्पेक्युलेशन। स्पेक्युलेशन में क्या हो गया, फॉर एग्जाम्पल वी हैव ऑनियन, और ऑनियन का यस्टरडे का प्राइस था 30 रुपीज पर किलोग्राम, टुडे प्राइस इज 40 रुपीज पर किलोग्राम, ठीक है ना। अच्छा, प्राइस बढ़ गया तो लॉ के हिसाब से क्या करना चाहिए, भाई प्राइस बढ़ गया तो डिमांड कम होनी चाहिए, हाँ या ना। लेकिन लोगों को कहीं से इंफॉर्मेशन मिला, क्या मिला, टुमारो प्राइस विल बी 50 रुपीज पर किलोग्राम, विल बी कल कितना हो जाएगा, 50 रुपीज हो जाएगा। तो आज की तारीख में मुझे बताइए 40 रुपीज से आप क्या करेंगे, ज्यादा डिमांड करेंगे या कम डिमांड करेंगे, डेफिनेटली पीपल विल बाय मोर, क्यों, क्योंकि उन्होंने क्या किया, स्पेक्युलेशन, उनको लग रहा है कि भाई आगे जाके तो प्राइस और ज्यादा बढ़ जाएंगे, बेटर वी शुड बाय इट नाउ। तो आप अगर इन दोनों को कंपेयर करें तो प्राइस बढ़ा है फिर भी डिमांड भी बढ़ रही है, क्यों बढ़ रही है, ड्यू टू स्पेक्युलेशन, फ्यूचर प्रेडिक्शन, फ्यूचर के बारे में सोच करके यहां पर आज की डिमांड बढ़ रही है, इसे हम कहते हैं स्पेक्युलेशन, मतलब लॉ अप्लाई नहीं हो रहा है, लॉ अप्लाई नहीं हो रहा है। द लॉ ऑफ डिमांड डज नॉट होल्ड ट्रू व्हेन पीपल एक्सपेक्ट प्राइस टू राइज इन स्टिल फर्दर। In this case, although the price have risen today, consumer will demand more in anticipation of further rise in price. For example, price of oil, sugar, etc. tends to rise before Diwali. Diwali के पहले धीरे धीरे oil के prices, sugar के prices बढ़ने लगते हैं, तो लोग क्या करते हैं,
आज के बढ़े हुए प्राइस पे ज्यादा परचेस करते हैं क्योंकि उनको लगता है आगे और बढ़ जाएंगे. सो पीपल गो ऑन परचेसिंग मोर एट अ हायर प्राइस एज दे एंटिसिपेट दैट प्राइजेस मे राइज ड्यूरिंग दिवाली. तो ये एक हमको बहुत ही बेटर एग्जाम्पल प्रोवाइड किया गया इसका. पॉइंट नंबर फोर इज प्राइस इल्यूजन. इल्यूजन मतलब प्राइस की भ्रांति हो गई. भ्रांति होना मतलब क्लैरिटी नहीं है. कंज्यूमर हैव एन इल्यूजन दैट हाई प्राइस गुड्स आर ऑफ अ बेटर क्वालिटी. होता है कि नहीं होता है? किसी भी प्रोडक्ट का अगर आपने सुना कि हाई प्राइस दिया गया है तो आप बोलोगे नहीं ये क्वालिटी प्रोडक्ट है, इसके लिए तो महंगा है, ऐसे थोड़ी कोई इतना प्राइस लेगा, है कि नहीं? शूज है, अगर आपको किसी ने बोला कि ये शूज मैंने 5000 रुपीज में लिया है तो माइंड में क्या आएगा? वुडलैंड का होगा, महंगा आता है, ओरिजिनल लेदर होगा, हाई क्वालिटी पीस होगा, ऐसे थोड़ी महंगा दे रहे हैं. तो हम कभी कभी क्या करते हैं, प्राइस पे क्वालिटी को कंपेयर करते हैं. हाई प्राइस मीन्स हाई क्वालिटी, लो प्राइस मीन्स लो क्वालिटी, है कि नहीं? Therefore, the demand for such goods tends to increase with a rise in price. तो एप्पल वाले ने अगर अपना प्राइस बढ़ा भी दिया तो लोग और खरीदेंगे. क्यों? सब सोचेंगे कि नहीं हाई प्राइस मतलब हाई क्वालिटी. फॉर एग्जाम्पल ब्रांडेड प्रोडक्ट्स विच आर एक्सपेंसिव आर डिमांडेड इवन एट अ हायर प्राइस. तो जो ब्रांडेड प्रोडक्ट होते हैं महंगे होंगे तो भी लोग उसको परचेस करते हैं. क्यों परचेस करते हैं? हाई प्राइस मीन्स क्वालिटी. ऐसा लोगों का प्राइस इल्यूजन होता है जो कि बहुत जगह पर फिट बैठता भी होगा बट बहुत जगह पर गलत भी हो जाता होगा. ऐसा रियलिटी में होता नहीं है कि हाई प्राइस होगा तभी हाई क्वालिटी मिलेगी. इसलिए इसे कहा गया है प्राइस इल्यूजन. और इसके कारण हमारा जो लॉ है वो अप्लाई नहीं होता. जो ब्रांडेड प्रोडक्ट्स होते हैं उसके प्राइस बढ़ भी गए तो भी लोग उन्हें परचेस करते हैं इस प्राइस इल्यूजन के कारण, क्योंकि उन्हें लगता है कि महंगा होगा तो क्वालिटी अच्छी होगी. पॉइंट नंबर फाइव इग्नोरेंस. इग्नोरेंस क्या है? समटाइम्स ड्यू टू इग्नोरेंस पीपल बाय मोर ऑफ अ कमोडिटी एट हायर प्राइस. कभी कभी उन्हें पता नहीं होता और ज्यादा प्राइस पे वो परचेस कर लेते हैं. This may happen when customer is ignorant about the price of that commodity at other places. क्योंकि उसको दूसरे places पे पता नहीं है कि ये rate क्या है. आजकल के electronic purchase media है ना, जैसे Amazon है, Snapdeal है, Flipkart है, ऐसे बहुत सारे website हैं. तो बहुत सारे ऐसे लोग हैं ना जो online purchase करने में ही विश्वास रखते हैं, तो कभी वो offline जाते ही नहीं है, मतलब प्रैक्टिकली विजिट नहीं करते फिजिकली. ऐसे केस में क्या होता है, कभी कभी कोई कोई प्रोडक्ट जो मार्केट में फिजिकली सस्ता अवेलेबल है ना वो उनको सेल के नाम पर महंगा मिल जाता है, ठीक है ना? फॉर एग्जाम्पल उन्होंने कोई प्लास्टिक मटेरियल था जस्ट लाइक टिफिन है ना, उसको टिफिन परचेस करना था, ठीक है, और टिफिन पे वहां पर अमेजोन के ऊपर उसको दिखाई दिया कि अमेजोन पे प्राइस कितना है. अमेजोन पे प्राइस लिखा हुआ है 600 और ऐसा कट करके डिस्काउंटेड प्राइस लिखा हुआ है 399. क्या लिखा हुआ है? 399 ओनली. तो वो बंदा क्या करेगा, कंपेयर करेगा, अच्छा फ्लिपकार्ट पे कितना है, फ्लिपकार्ट पे देखेगा, फ्लिपकार्ट पे इसका प्राइस है 420 रुपीज, ठीक है ना, ऐसा करके बताया हुआ है. तो बोलेगा अच्छा इससे तो सस्ता ही मिल रहा है, आई शुड गो फॉर अमेजोन. लेकिन जब वो ओपन मार्केट में आएगा, फिजिकल मार्केट में आएगा, ये प्रोडक्ट उसको 299 रुपीज में मिल रहा है, उससे वो बेखबर है, उससे वो क्या है, इग्नोरेंट. इसके बारे में वो पता ही नहीं है उसको कि मार्केट में तो ये कम प्राइस में मिल रहा था और मैंने क्या किया, मैंने सोचा ये डिस्काउंटेड प्राइस में मिल रहा है और उसको ज्यादा प्राइस पे परचेस कर लिया, जबकि मैं फिजिकली जाता तो मुझे कम प्राइस में मिलता था. तो यहाँ पर मैं ऑनलाइन और फिजिकल परचेस का यहाँ पर कंपैरिजन नहीं कर रहा हूँ, मैं यहाँ पर बता रहा हूँ कि कभी कभी कस्टमर क्या होता है, इग्नोरेंट होता है, उसे रियलिटी में प्राइस कंपैरिजन पता ही नहीं कि मार्केट में क्या प्राइस चल रहा है और उसे लग रहा है कि प्राइस बेहद कम है और उस हिसाब से उसने परचेस कर लिया जबकि उससे ज्यादा प्राइस ले लिया गया. गेटिंग इट? देखो कभी कभी फॉरेन कस्टमर्स आते हैं ना, आपने कभी वीडियो देखा होगा
तो ये जो हमारा फैशन स्ट्रीट है FS, लोग वहां पर जाते हैं, तो उसका जो टी शर्ट वगैरह है वो इंडियन कस्टमर को एक टी शर्ट 200 रुपीज में देगा, और वही कस्टमर फॉरेन कस्टमर रहेगा ना तो सीधा उसको 800 बोलेगा। क्यों? उसको मालूम है कि फॉरेन कस्टमर यहाँ के प्राइस के बारे में इग्नोरेंट है, यहाँ का रियल प्राइस उनको पता नहीं है, तो सीधा वो 800 रुपीज बोलेगा। तो बार्गेन करके भी वो बंदा 500 रुपीज में लेके जाएगा, और इंडियन कस्टमर होता तो वो टी शर्ट कितने में लेके जाता था? 200 में। अच्छा, ऐसा क्यों हो गया? बिकॉज ऑफ इग्नोरेंट, मतलब उसको प्राइस का रियलिटी में पता नहीं है। गेटिंग इट एवरीवन? समझ में आई ये बात? पॉइंट नंबर सिक्स, ये बहुत ही सिंपल है। हैबिचुअल गुड्स, सबको पता है जिस प्रोडक्ट का हैबिट लग गया तो उसका आप प्राइस बढ़ा दो, है ना, तो भी लोग क्या करते हैं? उसे परचेस करते हैं। तो भले प्राइस इंक्रीज होगा, उसका डिमांड भी इंक्रीज होगा। हैबिट में हम बात कर सकते हैं, लाइक सिंपल अगर बात करें तो आप टी कॉफी ले सकते हैं, है ना। अगर टी का प्राइस बढ़ गया तो जो चाय पीने के शौकीन होते हैं वो लोग चाय पीना नहीं छोड़ेंगे, वो लोग तभी पियेंगे। बेस्ट एग्जाम्पल, जो भी नशे वाले प्रोडक्ट रहते हैं ना, जैसे सिगरेट्स हो गए, आप देखेंगे पिछले 20 साल के पीरियड में सिगरेट का प्राइस कितना हाई हो गया है, ठीक है, बहुत बहुत महंगा हो गया है, इवन अल्कोहल। लेकिन लोगों ने सिगरेट पीना छोड़ दिया क्या? नहीं। क्या अल्कोहल का कंजम्पशन कम हो गया? नहीं। क्या टोबैको का कंजम्पशन कम हो गया? नहीं। तो डिमांड हमको वही मिल रही है, प्राइस बढ़ गए हैं फिर भी। यस और नो? सो ड्यू टू हैबिट्स कंजम्पशन सर्टन गुड्स लाइक टी इज परचेस्ड इन रिक्वायर्ड क्वांटिटीज इवन एट अ हायर प्राइस। तो प्राइस बढ़ भी जाए तो भी लोग रिक्वायर क्वांटिटी में टी परचेस करते हैं। चलो, टी उन्होंने आपका यहाँ पर माइंडसेट दूषित ना हो इसके लिए उन्होंने यहाँ पर टी वर्ड यूज किया है, बट आप इसको डायरेक्ट कंपेयर कर सकते हैं अल्कोहल से, सिगरेट से, जहां पर प्राइस बढ़ाने के बावजूद लोग पहुंच जाते हैं और परचेस करते हैं। यस और नो? सो हियर वी हैव कंप्लीटेड विथ ऑल द पॉइंट्स ऑफ एक्सेप्शन। पॉइंट नंबर वन वॉज गिफन पैराडॉक्स, जहां पर हम इसको इंफीरियर क्वालिटी प्रोडक्ट बोल सकते हैं या पेरिशेबल गुड्स भी बोल सकते हैं। यहाँ पर प्राइस कम होने की वजह से हम इंफीरियर क्वालिटी के गुड्स को परचेस नहीं करते, वी गो फॉर मच बेटर क्वालिटी प्रोडक्ट, ठीक है। नेक्स्ट वी हैव प्रेस्टिजियस गुड्स, जो ऐसा प्रोडक्ट यूज करते हैं जो स्टेटस का सिंबल प्रोवाइड करता हो या अपने आप को शो करता हो कि वी कैन परचेस एक्सपेंसिव प्रोडक्ट इवन एट अ हायर प्राइस। ऐसा स्टेटस जो लोग शो करना चाहते हैं वो प्रेस्टिजियस गुड्स के कैटेगरी में आते हैं, जस्ट लाइक डायमंड, गोल्ड एंड डिफरेंट अदर काइंड्स ऑफ थिंग्स जो स्टेटस के एक सिंबल होते हैं, तो लोग उसे परचेस करते हैं इवन एट अ हायर प्राइस। तो यहाँ पर भी हमारा लॉ ऑफ डिमांड अप्लाई नहीं होता। स्पेकुलेशन, स्पेकुलेशन में फ्यूचर प्राइस को देखते हुए करंट इंक्रीज इन प्राइस के ऊपर भी लोग अपनी डिमांड को बढ़ा देते हैं, और यहाँ पर भी हमारा लॉ काम नहीं कर रहा है। प्राइस इल्यूशन, प्राइस इल्यूशन मतलब बहुत लोगों को ऐसा लगता है कि प्राइस हाई होगा तो क्वालिटी अच्छी होगी और प्राइस लो होगा तो क्वालिटी डिग्रेड होगी। ऐसा होने की वजह से लोग किसी भी प्रोडक्ट का हाई प्राइस को देख करके ही डिमांड बढ़ा देते हैं, जबकि ये रियलिटी नहीं है। तो हमारा लॉ यहाँ पर भी अप्लाई नहीं होता। हैबिचुअल गुड्स, कुछ गुड्स ऐसे होते हैं जिसकी हैबिट होती है, और हैबिट होने के कारण प्राइस का उनकी डिमांड पर कोई असर नहीं पड़ता, इवन उनका प्राइस राइज होने के बावजूद लोग उसको डिमांड करते हैं, ठीक है। सो लेट अस मूव ऑन टूवर्ड्स द नेक्स्ट पर्टिकुलर टॉपिक, एंड दैट इज वेरिएशन इन डिमांड। वेरिएशन इन डिमांड, सो व्हेन द डिमांड फॉर अ कमोडिटी फॉल्स और राइजेस ड्यू टू चेंज इन प्राइस अलोन, यहां पर ये ध्यान देने वाली बात है। क्या बता रहे हैं यहां पर? प्राइस अलोन, जब किसी कमोडिटी का डिमांड फॉल हो रहा है, गिर रहा है, या राइज हो रहा है, बढ़ रहा है, और उसका कारण सिर्फ कौन बन गया? प्राइस बन गया। ऐसे केस में
हम उसे कहेंगे वेरिएशन इन डिमांड, क्योंकि एट दैट पर्टिकुलर सिचुएशन अदर फैक्टर्स रिमेन कॉन्स्टेंट। जो बाकी के फैक्टर्स हैं, बाकी के कौन से फैक्टर्स हैं, तो हमने ये देखे हुए थे डिटरमिनेंट्स ऑफ डिमांड में। तो एक बार आइए देख लेते हैं डिटरमिनेंट्स ऑफ डिमांड में क्या क्या फैक्टर्स हमने देखे थे। तो देखिए पहला फैक्टर है प्राइस, राइट है। तो अगर प्राइस की वजह से डिमांड इंक्रीज और डिक्रीज हो रहा है तो ऐसे इंक्रीज और डिक्रीज को हम बोलेंगे वेरिएशन इन डिमांड। लेकिन प्राइस को छोड़कर के बाकी जो 9 पॉइंट्स हैं, कौन से पॉइंट्स हैं, 9, इनकम है, देन प्राइस ऑफ सब्स्टिट्यूट है, प्राइस ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स है, नेचर ऑफ प्रोडक्ट है, साइज ऑफ पॉपुलेशन है, एक्सेप्शंस अबाउट फ्यूचर प्राइजेस है, दैट इज स्पेकुलेशंस, एडवर्टीजमेंट का फैक्टर है, टेस्ट हैबिट प्रेफरेंसेस फैशन चेंज हो गया है, टैक्सेशन का लेवल चेंज हो रहा है, या अदर फैक्टर्स है ना, जिसमें क्लाइमेटिक कंडीशन हो, टेक्नोलॉजिकल चेंज हो, गवर्नमेंट पॉलिसी चेंज हो, ये सारे अलग फैक्टर हैं। एक फैक्टर प्राइस और बाकी सब क्या है, अदर फैक्टर्स। तो अगर आपका डिमांड इंक्रीज हो रहा है या डिक्रीज हो रहा है ओनली बिकॉज ऑफ प्राइस, ओनली बिकॉज ऑफ प्राइस, तो हम उसे कहेंगे वेरिएशन इन डिमांड। मतलब ऐसे केस में जो अदर फैक्टर्स है दे विल रिमेन कॉन्स्टेंट, दे विल रिमेन एज इट इज, देर इज नो चेंज, दे विल रिमेन एज इट इज। यस सर, ये बात समझ में आई? सो इट इज कॉल्ड वेरिएशन इन डिमांड। और ये दो टाइप के होते हैं। अब दो टाइप ऑब्वियसली, जहां पर इंक्रीज होगा उसे कहेंगे एक्सपांशन ऑफ डिमांड, और जहां पर डिक्रीज होगा उसे कहेंगे कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड, ठीक है। सो एक्सपांशन ऑफ डिमांड रिफर्स टू राइज इन क्वांटिटी डिमांडेड ड्यू टू फॉल इन प्राइस। प्राइस के कम होने की वजह से जब डिमांड इंक्रीज हुआ तो उसे कहा जाएगा एक्सपांशन इन डिमांड। ऐसे केस में क्या होना चाहिए, अदर फैक्टर्स विल रिमेन कॉन्स्टेंट, जैसे टेस्ट, लाइक, इनकम ऑफ द कंज्यूमर, साइज ऑफ द पॉपुलेशन एटसेट्रा रिमेन अनचेंज। तो अदर फैक्टर्स रिमेन कॉन्स्टेंट ओनली ड्यू टू प्राइस, है ना, प्राइस के गिरने की वजह से क्या इंक्रीज हो रहा है, डिमांड इंक्रीज हो रहा है, तो उसे हम कहेंगे एक्सपांशन ऑफ डिमांड। क्या कहेंगे, एक्सपांशन ऑफ डिमांड। और यहां पर आपको इस तरीके का डिमांड कर्व दिखाई देगा, डाउनवर्ड स्लोपिंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, डाउनवर्ड स्लोपिंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। और यह हमको कैसा दिखाई दे रहा है, यहां पर आप पॉइंट्स देखिए, ये जीरो पॉइंट है और ओरिजिनल प्राइस था पी, ओरिजिनल प्राइस क्या है, पी, ओरिजिनल प्राइस पी पे ओरिजिनल क्वांटिटी डिमांडेड था, तो ये इंटरसेक्ट करता है पॉइंट ए पे, कौन से पॉइंट ए पर, और जैसे प्राइस गिरा नीचे पी वन हो गया, प्राइस डाउन हो गया, तो लोगों ने क्वांटिटी बढ़ा दी, तो हमें न्यू पॉइंट मिल गया पॉइंट बी। ऐसे केस में जब हम इन दोनों को ज्वाइन करते हैं तो हमें डी और डी ये नाम का डिमांड कर्व मिलता है, विच इज डाउनवर्ड स्लोपिंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, ठीक है। एज शोन इन द फिगर डी डी इज डिमांड कर्व, अ डाउनवर्ड मूवमेंट ऑन द सेम डिमांड कर्व फ्रॉम पॉइंट ए टू पॉइंट बी इंडिकेट्स एन एक्सपांशन ऑफ डिमांड। तो अगर आप ध्यान दें या आपने ध्यान दिया होगा तो डिमांड क्या हुआ है, एक्सपांड हुआ है। आप देखिए ये एरो यहां पर दिखाई दे रहा है ना, तो ये डिमांड ए से बी की तरफ, मतलब उतनी क्वांटिटी इंक्रीज हुई है यहां से लेके यहां तक, फ्रॉम ए टू बी इतनी क्वांटिटी क्या हुई है, इंक्रीज हुई है। हम क्वांटिटी को यहां पर देख सकते हैं कि प्राइस के फॉल होने की वजह से यहां पर क्वांटिटी क्यू से क्यू वन तक पहुंच गई, तो इसको हम कहेंगे एक्सपांशन ऑफ डिमांड। पॉइंट नंबर टू, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड। व्हाट इज कॉन्ट्रैक्शन, ऑब्वियसली जहां पर डिमांड कम हुआ ड्यू टू राइज इन प्राइस, फॉल इन डिमांड ड्यू टू राइज इन प्राइस अलोन, बाकी सारे फैक्टर्स क्या होंगे, कॉन्स्टेंट अनचेंज्ड, बाकी सारे फैक्टर्स एज इट इज हैं, देयर इज नो चेंज। सिर्फ प्राइस के बढ़ने की वजह से
हमारे डिमांड अगर कम होता है तो उसे हम कहते हैं कॉन्ट्रेक्शन ऑफ डिमांड। डिमांड कर्व्स मूव्स इन अपवर्ड डायरेक्शन ऑन द सेम डिमांड कर्व। तो यहां पर क्या होगा, यहां पर हमारा जो डिमांड कर्व है वो क्या होगा, अपवर्ड डायरेक्शन में मूव करेगा। दिस कैन बी एक्सप्लेन विद द हेल्प ऑफ फॉलोइंग डायग्राम। तो यहां पर देखिए बताया गया है, पहले था ओरिजिनल प्राइस पी, पहले ओरिजिनल प्राइस क्या था पी, और उस समय ओरिजिनल क्वांटिटी डिमांडेड था क्यू, बराबर है। तो ये जो इंटरसेक्ट कर रहा था हमें मिला पॉइंट बी। अच्छा, हमने प्राइस को क्या कर दिया, हमने प्राइस को इंक्रीज कर दिया, किस पे लेकर के आ गए, पी टू पे लेकर के आ गए। अब जैसे ही प्राइस बढ़ा लोगों ने क्यू छोड़कर अब क्यू टू का डिमांड, मतलब अपने डिमांड को कम कर दिया, अपने डिमांड को क्यू टू कर दिया। अब इसकी वजह से हमें एक नया पॉइंट मिल गया, दैट इज पॉइंट ए, पॉइंट ए। तो मतलब हमारा जहां पर डिमांड पॉइंट बी था अब वो उससे हट करके पॉइंट ए पे चला गया। दैट मींस ये क्या हो गया, कॉन्ट्रैक्शन। आप देखेंगे क्वांटिटी रिड्यूस हो गई, क्वांटिटी रिड्यूस हो गई, ठीक है। तो ये एरो जो है, ये एरो हमें बताता है कॉन्ट्रैक्शन इन डिमांड, कॉन्ट्रैक्शन इन डिमांड। तो ये एग्जैक्टली एक दूसरे के अपोजिट है, एक्सपांशन बता लो या कॉन्ट्रैक्शन बता लो, ठीक है। तो आइए समझते हैं हम लोग, जब हम बात करते हैं डिमांड की, तो इस डिमांड को दो पार्ट में डिवाइड किया गया। हाउ मेनी पार्ट्स, टू पार्ट्स, ठीक है। पार्ट वन, तो एक को हम बोलेंगे वेरिएशन और दूसरे को हम बोलेंगे चेंजेस। ठीक है, वेरिएशन इन डिमांड एंड सेकेंड है चेंजेस इन डिमांड। वेरिएशन इन डिमांड का रीजन क्या है, रीजन फॉर वेरिएशन इन डिमांड, तो वेरिएशन इन डिमांड का जो मेन रीजन है वो है प्राइस। क्या है, प्राइस, या मैं बोल सकता हूं ओनली प्राइस। क्यों ओनली प्राइस, बिकॉज अदर थिंग रिमेन कॉन्स्टेंट। और यहां पर क्या होगा, ओनली other factors, only other factors, that means यहां पर price constant होगा, price is constant, मतलब price क्या है, price same है, price में कोई change नहीं है, getting it। तो किस में change हो रहा है, यहां पर other factors में change हो रहा है, like इनकम ऑफ कंज्यूमर, प्राइस ऑफ सब्स्टिट्यूट, टैक्सेशन पॉलिसी ऑफ द गवर्नमेंट, और वी कैन से टेस्ट हैबिट एंड प्रेफरेंस, क्लाइमेटिक कंडीशन एंड अदर थिंग्स। तो इसमें चेंजेस हो रहा है। अच्छा, वेरिएशन डिमांड में दो पार्ट किया गया, एक है एक्सपांशन और दूसरा है कॉन्ट्रैक्शन। एक्सपांशन में मतलब क्या हो रहा है, एक्सपांशन में जब भी प्राइस गिरेगा डिमांड एक्सपांड होगा, दैट मींस इंक्रीज होगा।
और कॉन्ट्रैक्शन में क्या होगा, जब भी प्राइस इंक्रीज होगा डिमांड डिक्रीज होगा, तो इसे हम बोलते हैं कॉन्ट्रैक्शन। आई होप एक्सपांशन एंड कॉन्ट्रैक्शन इज वेरी मच क्लियर। इट इज ओनली बिकॉज ऑफ प्राइस, जबकि चेंजेस इन डिमांड में क्या होता है, चेंजेस इन डिमांड में यहां पर प्राइस में कोई हलचल नहीं है, प्राइस विल रिमेन सेम, बट अदर फैक्टर्स इंक्रीज होंगे या डिक्रीज होंगे या चेंज होंगे, ठीक है ना, जो भी हुआ अदर फैक्टर्स के चेंज होने की वजह से यहां पर डिमांड अगर इंक्रीज होगा तो उसे कहेंगे इंक्रीज इन डिमांड। क्या कहेंगे? इंक्रीज इन डिमांड, सिंपल। और अगर डिमांड डिक्रीज हुआ तो क्या कहेंगे? डिक्रीज इन डिमांड। तो इसको इस तरीके से अलग अलग नाम दे करके बायफारगेट कर दिया गया कि सिर्फ प्राइस की बदौलत होगा तो हम उसे कहेंगे वेरिएशन, अदर फैक्टर्स की वजह से होगा तो हम उसे कहेंगे चेंजेस। वेरिएशन के दो पार्ट, डिमांड अगर बढ़ता है तो एक्सपांशन, डिमांड अगर कम होता है तो कॉन्ट्रैक्शन। यहां पर चेंजेस के दो फैक्टर के नाम, अगर डिमांड बढ़ता है तो इंक्रीजेस, अगर डिमांड कम होता है तो डिक्रीजेस। देखो कितना इजी है, यस और नो? तो यही बात हमको आगे समझनी है। नाउ मूविंग टूवर्ड्स चेंजेस इन डिमांड। व्हेन डिमांड फॉर अ कमोडिटी इंक्रीजेस और डिक्रीजेस ड्यू टू चेंज इन अदर फैक्टर्स एंड प्राइस रिमेन कॉन्स्टेंट, है ना, बाकी फैक्टर्स चेंज हो रहे हैं लेकिन प्राइस क्या है, कॉन्स्टेंट, प्राइस में कोई हलचल नहीं है, तो ऐसे सिचुएशन को हम बोलेंगे चेंजेस इन डिमांड। और उसमें इंक्रीज इन डिमांड कब होगा? इंक्रीज इन क्वांटिटी डिमांडेड ड्यू टू फेवरेबल चेंज इन अदर फैक्टर्स लाइक टेस्ट, इनकम ऑफ द कंज्यूमर, क्लाइमेटिक कंडीशन एंड प्राइस रिमेन कॉन्स्टेंट, है ना। यहाँ पर डिमांड इंक्रीज हो रहा है इसलिए इंक्रीज इन डिमांड, क्योंकि अदर फैक्टर की वजह से हो रहा है। डिमांड कर्व शिफ्ट टू द राइट हैंड साइड ऑफ द ओरिजिनल डिमांड कर्व। तो हमारा जो डिमांड कर्व है वो क्या हो गया, वो शिफ्ट हो गया राइट हैंड साइड। इसका क्या मतलब होता है? इसका मतलब कुछ आप ऐसा समझ सकते हैं, फॉर एग्जाम्पल ये है एक्स एक्सिस एंड दिस वन इज वाई एक्सिस, ठीक है। Rather than taking this, I can take this one, x-axis and y-axis. हम क्या देख रहे हैं यहां पर? यहां पर हम देख रहे हैं changes in demand. अच्छा, अब हम यहां पर एक पॉइंट ले लेते हैं, we will take one particular point over here. Suppose दिस इज द पॉइंट जहां पर हमारा ओरिजिनल प्राइस है, ठीक है, और ओरिजिनल प्राइस है तो ये ओरिजिनल क्वांटिटी डिमांडेड है। तो अगर हम यहां पर इसका स्केलिंग करें लाइक दिस, ठीक है, तो हमको यहां पर ये जो पर्टिकुलर पॉइंट मिला है इसको हम क्या समझ सकते हैं, एक डिमांड कर्व। तो ये हमें मिल गया एक डिमांड कर्व। ठीक है, जिसको हमने नाम दे दिया डी डी।
अच्छा, अब कुछ फेवरेबल फैक्टर्स के कारण, क्योंकि प्राइस कांस्टेंट है, प्राइस में कोई चेंज नहीं है, कुछ फेवरेबल फैक्टर्स के कारण हमारा जो क्वांटिटी है वो अब इंक्रीज हो गया, और इंक्रीज होके क्वांटिटी Q2 पे आ गया। किस पे आ गया? क्वांटिटी Q2 पे। आप बोलेंगे सर प्राइस में कोई हलचल नहीं, कोई हलचल नहीं, प्राइस एज इट इज। फॉर एग्जांपल फैशन चेंज हो गया और हमारे प्रोडक्ट का डिमांड आ गया, ऐसे केस में ये जो पर्टिकुलर कट है ये आगे बढ़ जाएगा, ठीक है ना। और ये Q2 पे हम लाइन ड्रॉ करेंगे, ठीक है। तो ये हमको नया पॉइंट मिला, अब इसको ड्रॉ कर लीजिए। तो ये जो इस पॉइंट पे नया डिमांड कर्व मिला है, इसको हम नाम दे देते हैं D1। क्या नाम दे देंगे? D1। तो आप देख रहे हैं कि पहले जो ओल्ड डिमांड था, वहां से हमारा कर्व राइट हैंड साइड में शिफ्ट हो गया। कहां पर शिफ्ट हो गया? राइट हैंड साइड में। तो इसको हम क्या कहेंगे? इसको हम कहेंगे इंक्रीज इन डिमांड, ठीक है ना। अच्छा, अगर इसी का उल्टा हुआ होता, फॉर एग्जाम्पल प्राइस विल रिमेन एज इट इज, कुछ अनफेवरेबल कंडीशन आ गए। क्या आ गए? अनफेवरेबल कंडीशन आ गए, ऐसे कंडीशन आ गए जिसकी वजह से हमारा डिमांड फॉल हो गया एट पॉइंट Q3, ठीक है। तो ये कहां पर इंटरसेक्ट करेगा? ये प्राइस को यहां पर इंटरसेक्ट कर रहा है, ठीक है। अच्छा, यहां पर इंटरसेक्ट करने की वजह से ये पॉइंट हमें मिला। तो इसके मुताबिक ये एक नया कर्व हमको मिलता है, ठीक है ना। मैं इसको नाम दे देता हूं D2 कर्व। कौन सा कर्व? D2। आप देख रहे हैं यहां पर क्वांटिटी कम हुई है ना। तो ये जो पॉइंट है वो खिसक कर कहां पे आ गया? पीछे, बैकवर्ड साइड में। तो इसे हम क्या कहेंगे? इसे हम कहेंगे डिक्रीज इन डिमांड। क्या कहेंगे? डिक्रीज इन डिमांड। तो एक ही ग्राफ के अंदर हमने क्या समझ लिया? इंक्रीज इन डिमांड एंड डिक्रीज इन डिमांड। आप देखेंगे यहां पर प्राइस रिमेन कांस्टेंट, प्राइस में कोई बदलाव नहीं है। किसमें बदलाव हुआ? अदर फैक्टर्स में। किसमें बदलाव हुआ? अदर फैक्टर्स में। सो लेट अस चेक द ग्राफ। यहां पर हमारा ग्राफ जिसके अंदर इंक्रीज इन डिमांड दिखा रहे हैं, क्या दिखा रहे हैं? इंक्रीज इन डिमांड। आप देखेंगे ओरिजिनल प्राइस क्या है? कांस्टेंट, दैट इज पी, और ओरिजिनल क्वांटिटी वो क्या है? क्यू, ठीक है। अब क्या हुआ? ड्यू टू फेवरेबल फैक्टर, सपोज हमारा जो कस्टमर है या हमारा जो क्लाइंट है या हमारा जो पर्सन है इंडिविजुअल, उसका इनकम इंक्रीज हो गया। अब इनकम इंक्रीज हो गया तो उसने क्या किया? पहले से ज्यादा डिमांड करना स्टार्ट कर दिया। अच्छा, तो पहले पॉइंट यहां हुआ करता था जिससे हमें पॉइंट मिला था कर्व डी एंड डी। अब हमें एक पॉइंट बी, ये नया पॉइंट यहां पर मिल रहा है जिसके वजह से नया डिमांड कर्व क्रिएट हो गया, दैट इज D1। गेटिंग इट एवरीवन? तो यहां पर आप बता सकते हैं कि क्या यहां पर एक सिंगल डिमांड कर्व है? आंसर इज नो। क्यों? क्योंकि डिमांड कर्व शिफ्ट हो गया फ्रॉम हियर टू हियर, है ना, फ्रॉम लेफ्ट हैंड साइड टू राइट हैंड साइड, लेफ्ट से राइट की तरफ खिसक गया। तो इसे हम कहते हैं इंक्रीज इन डिमांड। ये जो पोर्शन है ना, इसे हम कहते हैं इंक्रीज इन डिमांड। क्यों? क्योंकि क्वांटिटी यहां पर आपको इंक्रीज होते हुए दिखाई दे रही है। सिमिलरली
DD is the original demand curve. Demand curve shifts outward to the right from DD to D1, D1, which indicate increase in demand. और ऐसे ही decrease in demand की तरफ आगे बढ़ेंगे. अच्छा, decrease in demand मतलब unfavorable factors की वजह से हमारा demand कम हो गया, जिसमें price constant है. It refers to decrease in quantity demanded due to unfavorable changes in other factors. Like taste, income of the consumer, calamity condition, etc., and price remain constant. Demand curve shifts to left hand side of the original demand curve. जो original demand curve था, वहाँ से हमारा जो demand curve है, वो left में shift हो गया. कैसे shift हो गया? तो देखिए, original price P as it is है, कोई change नहीं, और original quantity Q है. तो हमारा पहला point हमें मिलता है A. A में हमने एक line draw किया, हमें demand curve मिला D. D. अब कोई अनफेवरेबल कंडीशन आ गया. सपोज हमारे जो क्लाइंट है, इंडिविजुअल है, उसका जॉब चला गया. अब उसके पास कोई इनकम नहीं है, तो पहले जितना डिमांड करता था अब उससे कम डिमांड कर रहा है ना. अब उसकी क्वांटिटी डिमांडेड कम है क्योंकि उसकी जॉब चली गई, अब उसके पास कोई इनकम नहीं है. अब इसकी वजह से हमारा जो डिमांड कर्व का न्यू पॉइंट है, पॉइंट नंबर बी, वो हमें यहाँ पर मिलता है. मतलब टोटल पूरा का पूरा डिमांड कर्व शिफ्ट हो गया फ्रॉम राइट टू लेफ्ट, राइट से लेफ्ट की तरफ शिफ्ट हो गया. ठीक है. सो डीडी इज द ओरिजिनल डिमांड कर्व, इट शिफ्ट इनवर्ड टू द लेफ्ट फ्रॉम डीडी टू डीडी टू, विच इंडिकेट इंक्रीज इन डिमांड, सॉरी डिक्रीज इन डिमांड. तो ये इंडिकेट करता है डिमांड क्या हो गया, डिक्रीज हो गया. तो इसी के साथ हमने इस पर्टिकुलर कंसेप्ट को समझ लिया कि चेंजेस इन डिमांड किस तरीके से होता है. पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट हमारे सामने है, जिसको हम वेरिएशन इन डिमांड और चेंजेस इन डिमांड के रूप में जानते हैं. जब डिमांड में इंक्रीज और डिक्रीज प्राइस की वजह से हो तो हम उसे कहेंगे वेरिएशन, और अदर फैक्टर्स की वजह से हो तो हम उसे कहेंगे चेंजेस. गेटिंग इट एवरीवन? ये बात सबको समझ में आई है? सो डन फॉर द डे. थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग. मिलते हैं अगले एपिसोड में. तब तक के लिए बाय बाय. शुक्रिया. शबा खैर. सायोनारा. बाय बाय एवरीवन.